पिछले 3 लेक्चर्स में हमने जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा हुआ है उसको अब हम एट अ टाइम ऑब्जर्व करेंगे। यही तरीका होता है डेप्थ में लर्न करने का। आपको कुछ नया कंसेप्ट मिलता है, हमें जो ऑलरेडी पता है उसके साथ क्या मिक्स कर देंगे उसे। ये क्लियर है? अब फर्स्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले क्या देखा जी? बेसिक ऑपरेशंस देखे, लाइक एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, ठीक है, प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लीकेशन देखा, एंड साथ में क्या देखा जी? डिवीजन देखा। हमने लेक्चर वन में देखा था, लेक्चर वन में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जैक्टली क्या होता है वो भी देखा था। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब रियल नंबर से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है, उसमें क्या रहता है कि इमेजिनरी क्वांटिटी रहती है। पावर्स ऑफ आयोटा देखे थे, आई किस तरीके से काम करता वो पूरा का पूरा हमें समझ में आ चुका था। लेक्चर टू के अंदर हमने क्या देखा जी? उसका रिप्रेजेंटेशन देखा, बट बेसिकली हमें कौन इंट्रोड्यूस हुआ जी? हमें आर्गन प्लेन इंट्रोड्यूस हुआ, और उसी के साथ हमें क्या इंट्रोड्यूस हुआ जी? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके अंदर हमने क्या देखा भाई? एक ज्योमेट्रिक होता है, एक वेक्टोरियल होता है, और एक हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, चौथा यूलर है वो देखेंगे, बट यूलर और ट्रिग्नोमेट्रिक एक जैसे ही है, लगभग करेंगे उसको डिस्कस। बट सबसे पहले आपको हाथ इनके ऊपर बिठाना पड़ता है। ये क्लियर? अब क्या होता है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ये अलग अलग फॉर्म्स में तो अवेलेबल है, बट हमारा कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग हमें ये चूज करना पड़ता है। ये क्लियर? अब जैसे कि अगर फर्स्ट स्टेप में अगर आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले हमने कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे जी, लाइक इफ Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2, तो हमारा देखो Z1 प्लस Z2 क्या था? इट वॉज A1 प्लस A2 I इन ब्रैकेट B1 प्लस B2। हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली काम करता था। तो यू विल फाइंड आउट जब भी हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना रहेगा हम कौन सा वाला फॉर्म प्रेफर करते हैं जी? वेक्टर फॉर्म प्रेफर करते हैं। अब ये वेक्टर फॉर्म मतलब क्या रहता है जी? जेड का वेक्टर फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर फॉर्म मतलब इस तरीके का रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी सेपरेटेड है। यहाँ पर आपका मॉडुलस एंड थीटा या फिर आर एंड थीटा वाला पार्ट नहीं रहता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म मतलब क्या रहता है हमारा? आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है ये हमारे कौन से वाले ऑपरेशंस के लिए सुटेबल होता है जी? प्रोडक्ट एंड डिवीजन के लिए। क्यों होता है वो भी हम आज देखेंगे, ठीक है। तो आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, यही ऑपरेशंस के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, बट हम आर्गन प्लेन के ऊपर इन ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे। आर्गन प्लेन के ऊपर भले हम कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर काम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू अवर ऑपरेशन वी विल चूज कि भाई मुझे कौन सा वाला फॉर्म यूज करना बेटर है। ये क्लियर एवरीवन? अभी हमारे लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने एक बार देखा जी कॉन्जुगेट क्या होता है एंड नेक्स्ट देखा जी मॉडुलस क्या होता है। हमें कुछ पार्ट्स को यूज करना पड़ सकता है या फिर नहीं भी करना पड़ सकता। फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आर मतलब क्या रहता है? मॉडुलस ही तो होता है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक। आगे जाने से पहले कल हमारा एक टॉपिक आधा अधूरा छूट गया, जिसको हम कंप्लीट करते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखो इससे रिलेटेड हमने कहा था कि लिखा था भाई लेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये अपना क्या है जी? एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इज गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट रूट ऑफ
प्लस आई बी इज इक्वल टू क्या है जी, एक्स प्लस आई वाई, हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं ऑलरेडी। तो बेसिकली हमें देखो किसका वैल्यू निकालना है, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना है, जबकि हमें ए एंड बी गिवन रहेगा। यहाँ तक क्लियर? तो देखो इसके लिए हम सॉल्यूशन या फिर प्रूफ बोलेंगे सीधा, इसके सीधा हम फॉर्मूलेस क्रिएट करेंगे। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमेशा इन कैलकुलेशंस के थ्रू जाने का कोई भी सेंस नहीं बनता है, ठीक है। अब हमने क्या देखा था मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, अगर मैं किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो भाई मतलब मुझे रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, मतलब किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो सिमिलरली किसी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसलिए हम ये सीधा अज्यूम करके चल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर हमने क्या किया जी, सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा एल एच एस पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, आर एच एस पे क्या होगा जी एक्स प्लस आई वाई, इसका क्या हो जाएगा जी हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। सीधा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर सकते हो, क्या रहते हैं जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी मतलब टू आई एक्स वाई, या फिर आप सीधा ये टू एक्स वाई साथ में लिखो, आई को थोड़ा सा बाहर निकालो, याद रहेगा कि भी इमेजिनरी पार्ट है, और साथ में क्या रहेगा प्लस आपका आई वाई का स्क्वायर, ठीक है। अभी i का स्क्वायर माइनस वन, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसको सिंपलीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलता है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, राइट, वहाँ का आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे, प्लस ये क्या मिलेगा जी आपको i टाइम्स ऑफ टू एक्स वाई, पीछे तक दिखाई दे रहे हैं। अब देखो एल एच एस पे हमने कुछ काम किया है क्या, नहीं, वैसा का वैसा ही रहेगा, दिस इज ए प्लस। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये वाले पार्ट में डिफरेंस है, यहाँ पर रूट होने की वजह से हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। अब रूट हट गया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, अगर ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर इन दोनों के बीच में अगर इक्वालिटी साइन है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट से मेल खाता है और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट से मेल खाता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दो इक्वेशंस बनते हैं, पहला वाला इक्वेशन बनेगा जी हमारा सेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हम क्या बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और देखो ये आय का साथी कौन है बी, यहाँ पर आय का साथी कौन है टू एक्स वाई, और हमारा बी क्या हो जाता है जी टू एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर है? This is our equation 1 and this is our equation 2. Okay? देखो अभी भी हम दो इक्वेशन दो अननोन है बट स्टिल इनके ऊपर काम नहीं कर सकते, रीजन बताता हूँ। हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलता है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर मिलेगा तो अगर वाई स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये समझ में आ गया। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कैसे लेकर आए उसके बारे में सोचते हैं। तो ये जैसे इक्वेशन आ गए थोड़ा सा आइसोलेटेड पार्ट, अब यही वाला पार्ट देखो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर, क्या ये मैंने सही लिखा, ये किससे मेल खाता है जी, गौर करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a इज इक्वल टू x स्क्वायर b इज इक्वल टू y स्क्वायर, मैंने a ये और b और वो ये और b अलग, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे माइनस साइन के साथ मिला है अब वही मुझे प्लस साइन के साथ चाहिए, तो भाई मैंने ये वाला रिलेशन यूज किया, मुझे लेजर से ए माइनस बी पता है, मुझे क्या चाहिए अब ए प्लस बी चाहिए। हमने फॉर्मूलेस भी पढ़ा है क्वाड्रेटिक के अंदर, ये समझ में आपने कैसे बनाया, एवरीवन क्लियर?
अब देखो इसमें से ये एल एच एस हमें निकालना है, आर एच एस हमें पता है। देखो ना ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पता है, और ये फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज नथिंग बट टू एक्स वाई का होल स्क्वायर। सो यू विल सी यहाँ पर हम सीधा क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम वन एंड टू सीधा इसके अंदर वैल्यूज इनपुट कर सकता है। तो देखो आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है, एक उसका स्क्वायर मतलब ये क्या बन जाएगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस मतलब ये 4x square y square is nothing but 2xy का whole square। 2xy क्या है b, 2xy का whole square मतलब b square, b square मिल गया। और ये आपका क्या हो जाता है जी, आपका x square plus y square का whole square। आपको इसका whole square नहीं चाहिए, आपको सिर्फ x square plus y square चाहिए। तो देखो ये क्या बन जाता है, x square plus y square is equal to square root of ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्लियर है। अब मजेदार बात, ये वाला पॉइंट क्या है, अगर मेरा जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो मेरा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या रहेगा, मॉडुलस ऑफ जेड, मॉडुलस ऑफ जेड। तो ये हमारा कितवा इक्वेशन बन जाता है, इक्वेशन थ्री, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर मॉडुलस ऑफ जेड। अब देखो इक्वेशन वन एंड थ्री को ऑब्जर्व करो, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वहां पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेते से अगर हम एक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं जी, फॉर एक्स हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से सॉरी इक्वेशन 3 प्लस 2 परफॉर्म करेंगे। ठीक है, देखो इक्वेशन 3 क्या है आपका, इक्वेशन 3 इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन 2 क्या है आपका, सॉरी इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ऐड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसल हो गया, आपको क्या मिला, 2x square is equal to root over a square plus b square plus a। देखो मैं बार बार इसको ये नहीं लिखूंगा, इसको मैं बात डायरेक्टली क्या लिखूंगा, मॉडुलस ऑफ z। ठीक है, देखो हमें क्या मिला जी, x square is equal to modulus of z plus a upon 2, इधर का 2 मल्टीप्लिकेशन वाला उधर डिवीजन में चला गया, और x अगर चाहिए रहेगा तो अब इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस ए अपॉन 2। ये किसका वैल्यू मिला हमें, x का वैल्यू मिला। क्लियर है, ये हमने फॉर x लिया। अब फॉर y क्या करेंगे, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। हाँ ठीक है, तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। सब्ट्रैक्शन अगर कर रहे हैं तो सारे के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, क्या होता है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको देखो टू वाई स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलता है आपको, मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए। अब आपको वाई क्या मिलेगा, मॉड जेड माइनस ए अपॉन टू का रूट, या आपको क्या मिल जाता है जी, y का वैल्यू। हमें शुरुआत से क्या फाइंड आउट करना था, वही फाइंड आउट करना था, x एंड y कैसे निकाला समझ में आ गया। अब जैसे हमें फॉर्मूला पता चल गया ना, रूट निकालना काफी इजी हो गया। ठीक क्लियर, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपको एक आइडिया आ जाएगा। लॉकडाउन कर, दिस इज अवर कंसेप्ट स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप इस प्रोसेस के ऊपर ध्यान अगर दोगे तो देखो ये वाला एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा ये जेड का मॉडुलस है, और ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो भी इसके रूट का मॉडुलस का स्क्वायर। तो मतलब जब स्क्वायर रूट होता है ना तो सिर्फ नंबर का रूट नहीं हो रहा है, इसके मॉडुलस का भी स्क्वायर रूट हो रहा है। तो भाई रिकॉग्नाइज करना काफी इजी है। ये ऑब्जर्वेशन हम एग्जांपल के ऊपर देखेंगे, डोंट वरी, मैंने नोट डाउन कर लिया। स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एग्जांपल, हमें इन दोनों का क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप किसके साथ कंपेयर करोगे, लेट जैसे दिस इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो हम क्या पकड़ के चलेंगे भी, लेट 7-24 आई, इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा, एक्स प्लस आई वाई, ओके। अब देखो आपको ना इक्वेशन 1, 2 और 3 दोनों के दोनों बनाने रहेंगे, सॉरी तीनों के तीनों बनाने रहेंगे। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या रहेगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कौन रहेगा, 7 रहेगा। दिस इज आवर इक्वेशन 1, ओके। हमारा इक्वेशन 3 भी आप लगे हाथ बना सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें क्या मिला है, जी मॉडुलस ऑफ z, अगर ये z है तो इसका मॉडुलस क्या है, 25, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर का रूट 25, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दिस इज आवर इक्वेशन 3rd। अगर उसके हिसाब से देखें, हमारा इक्वेशन 2nd क्या था, b इज इक्वल टू 2xy, b इज इक्वल टू 2xy, तो देखो मुझे क्या मिलता है, 2xy इज इक्वल टू b, b क्या है मेरा, माइनस 24, b इज इक्वल टू माइनस 24, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रोसेस के थ्रू जाते टाइम लगता है कि सर इक्वेशन 1 एंड 3 ही इन्वॉल्व हुआ है, तो भाई सेकंड का क्या काम है, सेकंड क्या जस्टिफाई करता है कि भाई हमारा जो x एंड y है उनका साइन कैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 times of xy is equal to -24, इसी का मतलब क्या हुआ, x times of y is equal to -12, मतलब क्या हुआ, अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव होगा, मतलब दोनों में से एक टर्म तो हमेशा नेगेटिव रहेगा ही रहेगा। ये जस्टिफाई करने के लिए आपको इक्वेशन 2 हेल्प करता है, अदरवाइज x एंड y का वैल्यू तो आपको सीधा यहाँ से मिल ही जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक क्लियर, इक्वेशन 2 हेल्प्स टू जस्टिफाई आपका x और y कैसा रहेगा, ये देखते से हमें क्या पता चल जाता है x और y के मामले में,
आइदर केस वन एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज निगेटिव या फिर केस टू एक्स इज निगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। तो भाई हम किसी भी एक केस को फाइंड आउट कर देंगे और बाहर क्या लिख देंगे माइनस साइन तो नीचे वाला मिल जाएगा, प्लस साइन लिखेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। ये क्लियर? अब हम सीधा यहाँ पर हमारे फॉर्मूले का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारा x का वैल्यू क्या है जी, रूट ओवर मॉड z प्लस a अपॉन टू, एंड y इज इक्वल टू क्या है, रूट ओवर मॉड z माइनस a अपॉन टू। अपना a कौन है 7, मॉड z कौन है 25, कैलकुलेट हो जाएगा। ये क्या मिलता है जी, 25 प्लस 7 32। एक्स का वैल्यू क्या मिला आपको 4, एक्चुअली ये क्या रहेगा स्क्वायर रूट की वजह से प्लस माइनस 4। एंड सिमिलरली ये क्या मिल जाता है आपको 25 माइनस 7 18 बाय 2 9 9 करोड़ प्लस माइनस 3। ठीक है, तो देखो आपको एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 4 मिला, वाई का वैल्यू प्लस माइनस 3 मिला। जब x पॉजिटिव रहेगा तब y नेगेटिव रहेगा, जब x नेगेटिव रहेगा तब y पॉजिटिव रहेगा। तो हम शुरुआत में x पॉजिटिव और y नेगेटिव लेकर चलेंगे, तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं, ये वैल्यू क्या रहेगा आपका 4 माइनस 3 है, ये एक रूट रहेगा। दूसरा वाला रूट कब मिलता है, जब हम इसी को किस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से, माइनस 4 प्लस रूट 3 है, सॉरी प्लस 3 है, इसलिए हमें प्लस माइनस। ये क्लियर है? यू विल फाइंड आउट ये इक्वेशन 1 and 3 के ऊपर हमें कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, हम सीधा ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको कौन हेल्प करेगा साइन जस्टिफाई करने के लिए, इक्वेशन 2 बहुत मैटर करता है। अब जैसे कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखोगे, दोनों के दोनों रूट्स एक तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे नहीं तो हमेशा निगेटिव रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का जो साथी है वो पॉजिटिव है। देखो अगर हम सेकंड को अगर सॉल्व करने के लिए जाएंगे, हमारा a इज इक्वल टू क्या है 5 है, b इज इक्वल टू क्या है 12 है, हमारा मॉडुलस क्या है 13 है, राइट एवरीवन। हमें जो चाहिए कम हो रहा है सबसे पहले निकाल, हम क्या पकड़ के चल रहे हैं भाई 5 प्लस 12 i, इसका रूट क्या अज्यूम करके चलेंगे हम x प्लस आई वाई, तो उसके हिसाब से मेरा एक्स का वैल्यू क्या रहता है जी मॉड जेड प्लस ए अपॉन टू का स्क्वायर रूट, और वाई का वैल्यू रहता है जी मॉड जेड माइनस ए अपॉन टू का स्क्वायर रूट। मॉड जेड पता है, ए पता है, एंड मजेदार बात ये बी क्या होता है जी, बी इज नथिंग बट 2 times ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स इंटू वाई क्या रहेगा 6 रहेगा। अगर x into y पॉजिटिव है मतलब एक तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है, नहीं तो दोनों के दोनों नेगेटिव है। यहां तक आपको x क्या मिलता है, mod z is 13 plus 5 upon 2 एक मिलेगा, और ये क्या मिलेगा जी 13 minus 5 upon 2 18 by 2 9 यार क्या मिलेगा प्लस माइनस 3 आपको आया देखो 13 minus 5 8 8 by 2 4 आपको क्या मिलेगा प्लस माइनस 2। ठीक है, बट सिंस 2xy इज इक्वल टू 12 मतलब दोनों के दोनों एक तो पॉजिटिव रहेंगे एक तो दोनों से दोनों नेगेटिव रहेंगे, तो हम क्या बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आया, ये क्या रहेगा आइदर इट इज 3 प्लस 2 आए और माइनस 3 माइनस 2 आए, इसी को हम क्या लिखते हैं जी प्लस माइनस इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 आए, दिस इज अवर आंसर। अब मजेदार बात देखो, दोनों इसके ऊपर ऑब्जर्व करो, हमारा इसका मॉडुलस क्या मिला जी, जो ओरिजिनल था जिसका रूट निकाला था, इसका मॉडुलस कितना मिला हमें
25 मिला, और इसका जो हमने रूट निकाला इसका मॉडुलस क्या है देखो, 5 रूट जब किया मॉडुलस का भी स्क्वायर रूट, इसका मॉडुलस 25 होता है, इसके स्क्वायर रूट का मॉडुलस 5 होता है। यहां पर भी देखो इसका मॉडुलस क्या है, 13। इसका स्क्वायर रूट का मॉडुलस क्या होना चाहिए नजर आ सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 13। इसका आंसर क्या निकला हमें, 3+2 है, इसका मॉडुलस निकालो, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्ट्रॉन्ग चैप्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट से क्या मिस हो जाता है कि हम ना इसको अगर हम ज्योमेट्रिकली अगर देख पाओगे किसके ऊपर, आर्गन प्लेन के ऊपर, तो काम करना काफ़ी इजी हो जाता है। इसलिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। So let's start with our first operation, that is addition. अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो हम हमेशा किसको लेकर चलेंगे, आर्गन प्लेन को लेकर चलेंगे, तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन हमेशा हम ऑब्जर्वेशन आर्गन प्लेन के ऊपर बनाएंगे, सो इट बिकम्स लाइक दिस। एडिशन के लिए हम कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पकड़ के चलेंगे, 2 Z1 and Z2, वही कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने शुरुआत में फॉर्मूलेज में देखे थे, दैट इज Z1 is equal to A1 plus IB1 and Z2 is equal to क्या रहेगा जी, A2 plus IB2। पहले ऑब्जर्व कर लो, लेट जस्ट दिस इज माय Z1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, A1, B1। अगर ये मेरा Z2 रहेगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, A2, B2 रहेंगे, ठीक है। और हमने क्या देखा था, Z1 plus Z2 क्या मिला था, A1 plus A2 I times of B1 plus B2 इस टाइप से मिला था। तो ये कैसे होता है, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, मतलब दिस A1 एंड दिस A2 इनका एडिशन होगा, एंड ये B1 का एडिशन किसके साथ होगा जी, B2 के साथ होगा, बट इनका कंबाइन एडिशन हम इन तरीके से ऑब्जर्व नहीं करते। इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम कैसे जाते हैं जी, हम पैरेललोग्राम को यूज करना प्रेफर करते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके बारे में आप बिफोर 10 से जानते हैं, बराबर है। पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज रहते हैं कुछ लाइक अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स आर बाईसेक्टर ऑफ ईच अदर,
देखो वो जो थर्ड प्रॉपर्टी अभी बोला ना हम उसी को यूज करेंगे, जैसे कि मैंने अब ये जेड वन और जेड टू को क्या कर दिया जी, अटैच कर दिया, ठीक है। आपको सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हो। अगर ये ए वन कॉमा बी वन है और ये ए टू कॉमा बी टू है और लेजर से इनका मिड पॉइंट क्या निकाला जी हमने एम, तो ये एम के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। ए वन प्लस क्या रहेगा जी आपका, ये ए वन प्लस ए टू बाई टू कॉमा बी वन प्लस बी टू बाई टू, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ ये जेड वन जेड टू को मैं एक डायगोनल पकड़ के चल रहा हूँ और ये M क्या हो गया, ये डायगोनल का एक मिड पॉइंट हो गया। अब दूसरा डायगोनल का भी यही मिड पॉइंट रहेगा तो मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब दूसरे डायगोनल के लिए हमें दो एंड पॉइंट चाहिए रहेंगे, उसमें से एक एंड पॉइंट हमने क्या चूज किया जी, ओरिजिन। अब देखो ये O को लेकर मैंने M तक कनेक्ट किया, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, और ये M को अगर मैं मिड पॉइंट अगर बोलूंगा, ये M का जो दूसरे साइड पे सेम डिस्टेंस है, जितना M से O तक का डिस्टेंस है उतना ही M से लेकर ये नेक्स्ट वाले पॉइंट पे गया। लेट्स से दिस इज अवर जेड थ्री, ठीक है। अब देखो जेड वन और जेड टू का मिड पॉइंट भी M है और मैंने ओरिजिन से M तक के डिस्टेंस को ही आगे जेड थ्री प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब जेड वन जेड टू इज वन डायगोनल एंड ओरिजिन से लेकर जेड थ्री इज सेकेंड डायगोनल और ये M इन दोनों का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लिखिए ओ जेड ओ से लेकर जेड टू, ये जेड टू से लेकर जेड थ्री, जेड वन से लेकर जेड थ्री एंड जेड वन से लेकर वापस ओ, ये पैरेललोग्राम बनाएगा। अब इस पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स, दूसरा वर्टेक्स, तीसरा वर्टेक्स एंड इवन द सेंटर ऑफ द डायगोनल और मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इज नोन। हम चौथा वाला कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसका और इसका मिड पॉइंट यही रहेगा। अगर ये जीरो है और ये ए वन प्लस ए टू बाई टू है तो ये क्या होगा, ये जीरो है और ये बी वन प्लस बी टू बाई टू है तो ये क्या होगा, बी वन प्लस बी टू। मजेदार बात, ये ए वन प्लस ए टू एंड बी वन प्लस बी टू जिसके कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है बेसिकली, जेड वन प्लस जेड टू है, ये क्लियर है। तो डायग्राम के ऊपर हमें क्या दिखाई देता जी, जेड वन प्लस जेड टू इज इक्वल टू हमें क्या मिला जी, जेड थ्री मिला, जहाँ पर ओरिजिन जेड वन जेड टू एंड जेड थ्री ये जो चार पॉइंट्स है ये क्या है, एक पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है। ये समझ में आ गया, इट्स नॉट अबाउट फॉर्मूला रट्टा होना चाहिए बस, बट ज्योमेट्रिकली उसका मतलब क्या है, ये क्लियर है एवरीवन। सिमिलर तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी देखेंगे एंड सो सारे ऑपरेशंस, नोट डाउन कर लो इसको। पॉइंट ओरिजिन points origin z2 z3 and z1 represents vertices of a parallelogram, this is the geometrical representation of addition।
देखो ये वाला पार्ट आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बट ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी पार्ट है। ये डायग्राम देखते से आपको पता चल जाएगा यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है वो हमें वेक्टर फॉर्म के हिसाब से काफी इजीली मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आता है। अगेन हम क्या अज्यूम करके चल रहे थे, z1 इज a1 प्लस ib1 एंड z2 इज a2 प्लस ib2, और अब हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं जी, z1 माइनस z2 ये कहां पर मिलता है, कैसे मिलता है। लेट्स जस्ट से दिस पॉइंट इज z1, इसके कोऑर्डिनेट्स इज जी a1 कॉमा b1 एंड दिस इज पॉइंट Z2, इसके कोऑर्डिनेट्स है जी A2, B2. Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या रहता है, मैं Z1 के अंदर माइनस Z2 ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो Z2 को अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखेंगे भी ग्राफिकली उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इसके दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स जैसे पॉजिटिव है, इसलिए कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर इसको अगर मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो रहा है, ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए। दोनों निगेटिव रहते तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बेसिकली क्या होगा, ये ओरिजिन को मिड पॉइंट पकड़ के एग्जैक्टली अपोजिट साइड पे जाएगा। ये समझ में आ रहा है, इफ दिस इज जेड टू देन दिस इज माइनस ऑफ जेड। ये समझ में आ रहा है, कोई है जिसको अभी भी डाउट है इसके अंदर। अगर ये z2 रहेगा तो माइनस z2 कहां पर रहेगा, ओरिजिन को मिड पॉइंट पकड़ के z2 को वापस से स्ट्रेट जाना है, जितना o से लेकर z2 तक का डिस्टेंस है उतना ही o से लेकर माइनस z2 तक का डिस्टेंस रहेगा। अब ये z2 के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, माइनस a2 कॉमा माइनस, ठीक है। अब z1 माइनस z2 का मतलब यही रहेगा जो हम पहले z1 प्लस z2 के लिए कर रहे थे ना, अब वही अब हमें z1 एंड माइनस z2 के लिए करना पड़ेगा। अब जैसे कि z1 एंड माइनस z2 को हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, अटैच करेंगे, इसको एक डायग्राम पकड़ कर चलेंगे। इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, a1 माइनस a2 अपॉन टू, जैसे दिस पॉइंट इज एंड, तो इसके मिड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी, a1 माइनस a2 अपॉन टू एंड b1 माइनस b2 अपॉन टू। o से लेकर m को कनेक्ट किया और ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हम आगे गए, और जैसे दिस पॉइंट इज z3, इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं अगर m इज मिड पॉइंट ऑफ o एंड z3, क्योंकि भाई हमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पता है 0, 0, हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है। तो हमारे z3 क्या मिलता है ऐसे टाइम पे, a1 माइनस a2 कॉमा b1 माइनस b2, ये मिल जाता है इसके कोऑर्डिनेट्स। लेफ्ट साइड का हो गया एडिशन,
अगेन हमें z1 एंड z2 हमेशा गिवन है और हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, z3 फाइंड आउट कर रहे हैं ग्राफिकली। z3 के कोऑर्डिनेट्स आपको जो सेंस में मिल रहे हैं वो आपको मैटर करेगा, सो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर आफ्टर दिस ऑपरेशन। देखो मल्टीप्लीकेशन के लिए हम वेक्टर फॉर्म लेकर नहीं चलेंगे, वेक्टर फॉर्म मतलब कौन सा, ये वाला, कौन सा वाला फॉर्म यूज करेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ठीक है। लाइक लेट z1 इज इक्वल टू r1 इन ब्रैकेट cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 एंड z2 is equal to r2 in bracket cos theta 2 plus I sin theta 2. You clear? Multiplication के टाइम में हम सिर्फ first quadrant पे ही रहेंगे, तो इसी तरीके से बना। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, z1 एंड z2 को प्लॉट करेंगे, ठीक है। हमें कौन से कोऑर्डिनेट्स पता है, इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स पता है, इसका मतलब अगर ये मेरा z1 अगर रहेगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, r1 कॉमा थीटा 1। अब ये r1 कॉमा थीटा 1 मतलब क्या है, ओरिजिन से अगर हम z1 को अगर कनेक्ट करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा, R1 रहेगा और पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, यानी पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल रहता है इट इज कॉल्ड एज थीटा, ठीक है। अब हम कौन किसको प्लॉट करेंगे, z2 को प्लॉट करेंगे, ये हमारा z1 हो गया। अरे वो z2 को प्लॉट करते हैं, लेट्स जस्ट से दिस इज z2, z2 के पोलर कोऑर्डिनेट्स आर r2 कॉमा थीटा 2। अब इसका मतलब क्या रहता है, अगर मैं ओरिजिन से अगर z2 को कनेक्ट अगर करता हूं, ये o से लेकर z2 का डिस्टेंस कितना रहेगा, r2 रहेगा, दिस डिस्टेंस इज r2, एंड ये अंदर वाले साइड से अगर आप देखोगे ये एंगल पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ क्या बनाता है जी, थीटा 2 बनाता है, ये क्लियर है। स्मॉल एंगल इज थीटा 1 एंड दिस बिगर एंगल इज थीटा 2। हमारा ये हो गया जी एक ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन गिवन डेटा के अकॉर्डिंग, ये क्लियर है। अब देखो हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या यूज किया, पैरेललोग्राम को यूज किया, ठीक है। यहां पर हम ट्रायंगल्स को यूज करेंगे, पर ट्रायंगल्स को किस तरीके से यूज करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शंस करने वाले हैं, ये लिखवाऊंगा, पहले ध्यान दे दो हमने क्या किया। पॉजिटिव रियल एक्सिस की तरफ हम वन यूनिट डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट पकड़ के चले गए, लेट्स जस्ट से इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एम, क्लियर। और ये जो एम पॉइंट लिया है हम इसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे जी, जेड वन के साथ। तो देखो हमें एक ट्रायंगल मिलता है जेड वन ओ एम, बराबर है। Z1 से लेकर O वाला डिस्टेंस R1 है, O से लेकर M वाला डिस्टेंस 1 यूनिट है, और OZ1 एंड OM इनके बीच के एंगल थीटा बराबर है, ये क्लियर है। अब हम इसी ट्रायंगल को वापस से कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं बट सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। अब सिमिलर ट्रायंगल के लिए हम कौन सा वाला टेस्ट यूज करेंगे, ये कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट भी है बट कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट एक सिमिलैरिटी का टेस्ट भी बन सकता है, बिकॉज़ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, बराबर है। इस कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट को अब मैं किसके लिए यूज करूंगा, सिमिलैरिटी के लिए। सिमिलैरिटी के लिए जब इसको हम लेकर जाएंगे ना, हमारा एंगल वही होना चाहिए बट हमारे साइड्स किस में होने चाहिए, रेशियो, हमारे साइड्स रेशियो में होनी चाहिए, ये तो पता होगा। तो अब हम क्या करेंगे जी, देखो
हमने एक ऐसा एक थीटा टू से ही आगे एक एंगल ले लिया थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस एंगल को कवर किया, ये जो थीटा वन एंगल है उसी को अब हम कहाँ पर ले रहे हैं, थीटा टू से आगे। तो ये एंगल से जब हम एक ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से जाएगा, लेट्स जस्ट से दिस पॉइंट इज Z3। अरे Z3 पॉइंट भी लिया किस तरीके से है, सच दैट Z1 OM एंड Z3 OZ2 ये दोनों ट्रायंगल्स क्या रहेंगे, सिमिलर, ठीक है। हमने इनके अंदर वाले एंगल को मैच किया और ये Z2 अगर 1 यूनिट है तो भाई R1 अपना ये Z3 हो जाएगा, OZ3 का ये क्लियर है। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, Z3 के। प्रीवियस दो जगह पर हम वही कर रहे हैं, Z3 के कोऑर्डिनेट्स वेयर आवर आंसर्स, बराबर है। यहाँ पर भी Z3 के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, हमारा आंसर रहेंगे, हमें अब वो फाइंड आउट करना है। ये समझ में आ गया। अब Z3 के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम R एंड थीटा के टर्म के हिसाब से जाएंगे। देखो आपको थीटा वाला टर्म तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि देखो ना ये एंगल मेड विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस होता है, Z3 का एंगल बनाता है। देखो ये थीटा 2 प्लस थीटा 1 बनाता, देखते से बता सकते हो थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये उसका एंगल हो गया। देखो ना हमने R2 के आगे थीटा 1 लिया तो अपना Z3 की तरफ हो गया। एंड नेक्स्ट आपको अब इसका क्या चाहिए, सिर्फ मॉड्यूलस चाहिए रहेगा, ओके। अभी मॉड्यूलस कैसे मिलेगा उसके ऊपर, ये क्लियर, ये अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो सबसे पहले डायग्राम बना लो और मैं लग गया इसके स्टेप्स कंस्ट्रक्शन जो हमने किए वो भी लिखाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन हमने सबसे पहले लेट Z1 एंड Z2 ये अज्यूम कर लिया और इनको आर्गन फ्रेम के ऊपर प्लॉट कर लिया। फर्स्ट स्टेप प्लॉट Z1 and Z2 on argon plane. Second step हमने क्या किया जी, construct point M on real axis at a distance 1 unit from origin. This distance is 1 unit. Connect Z1 and M to create triangle Z1OM. Z1OM ये ट्रायंगल हमने क्रिएट किया। कंस्ट्रक्ट पॉइंट Z3 such that triangle Z3OZ2 is formed which is similar to triangle Z1OM. अब यहाँ पर याद रखो, यहाँ पर हमने 500 वाला टेस्ट यूज किया सिमिलैरिटी के लिए, SAS टेस्ट। इसमें क्या रहता है, SAS टेस्ट में एंगल जो रहेगा वो क्या होना चाहिए, आपका मैच होना चाहिए और जो साइड्स रहते हैं ये कैसे होने चाहिए जी, प्रोपोर्शन में होने चाहिए।
अगर ये सारे के सारे मैच करते ना तो ये कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट रहता, समझ में आ रहा है? बट सिर्फ अगर एंगल मैच करेगा और बाकी के दोनों साइड्स प्रोपोर्शन में रहेंगे तो ये कॉन्ग्रुएंसी की जगह सिमिलैरिटी की तरह ट्रीट करेगा। ये समझ में आ गया? अब इसी का मैथमेटिकल मीनिंग क्या रहेगा? ट्रायंगल Z1OM इज सिमिलर टू ट्रायंगल Z3OZ2। इसी का मतलब रहेगा भाई Z1 अपॉन O, Z3 अपॉन O इज इक्वल टू OM अपॉन OZ2 एंड एंगल Z1OM इज इक्वल टू एंगल Z3O Z2, राइट? देखो ये जो भी लिख रहा है ना वो डायग्राम के ऊपर ऑब्जर्व करो। हमने देखो Z1OM एंगल क्या है थीटा 1, हमारा Z3O Z2 इसके बीच का भी एंगल क्या है थीटा 1, वो मैच कर रहा है। दिस इज इक्वल टू थीटा 1, ठीक है? और हमने ये कंस्ट्रक्ट ही सिमिलर किया है इसलिए ये होना ही चाहिए, ठीक है? देखो इसका ऊपर वाला लाइन, इसका ऊपर वाला लाइन, इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल, इसका नीचे वाला लाइन और इसका भी नीचे वाला लाइन, ये क्या रहेंगे? प्रोपोर्शन रहेंगे। अब सीधा उनके वैल्यूज डालेंगे। अब Z1O या फिर OZ1 मतलब क्या है हमारा? R1 है। Z1O मतलब क्या है हमारा? R1। और ये Z3O मतलब ये वो वाला चीज है जो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा जी? जैसा है वैसा का वैसा। OM क्या है? OM is डिस्टेंस कितना है OM का? 1 यूनिट। ये क्या आ गया आपका? 1 यूनिट। OZ2 ये डिस्टेंस कितना है? R2। तो देखो यहाँ पर सिंगल इक्वेशन सिंगल अननोन, क्योंकि R1 R2 पता है, हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है? OZ3। तो देखो इसके हिसाब से आपको OZ3 क्या मिलता है? OZ3 उधर जाएगा, R2 इधर आएगा, OZ3 becomes R1 into R2। ये डिस्टेंस हो गया आपका, मतलब ये OZ3 डिस्टेंस कितना हो गया? R1 into R2, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? R1 into R2। ये क्लियर है एवरीवन? अब देखो पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या रहता है? ये जो पहला वाला पार्ट होता है वो क्या रहता है हमारा? मॉड्यूलस होता है। और ये जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो क्या रहता है हमारा? आर्ग्यूमेंट होता है। आर्ग्यूमेंट होता है, उसको एंगल नहीं बुलाएंगे, उसको टेक्निकल नाम से बुलाएंगे, वी कॉल इट आर्ग्यूमेंट, ठीक है? तो देखो यहाँ पर हमारे ऑब्जर्वेशन क्या बनते हैं, जब भी Z1 और Z2 का मल्टीप्लीकेशन होता है हमें क्या मिल रहा है? Z3 मिल रहा है। Z1 के कोऑर्डिनेट Z2 के कोऑर्डिनेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखो। जो Z3 इन दोनों के प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है वहाँ पर इनके मॉड्यूलस का डायरेक्ट प्रोडक्ट हो रहा है, बट इसके आर्ग्यूमेंट का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। समझ में आ गया? मॉड्यूलस का प्रोडक्ट होता है बट आर्ग्यूमेंट का एडिशन होगा जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अब सिमिलरली अगर हम डिवीजन करने के लिए जाएंगे तो मॉड्यूलस का डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन में आर्ग्यूमेंट का एडिशन होता था तो डिवीजन में आर्ग्यूमेंट का सब्ट्रैक्शन होगा, लॉग के जैसे, लॉग में याद है ना, ठीक है? वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए देखा है हम, ये डिवीजन के लिए करते हुए नहीं बैठेंगे, पर ये सब कुछ करने के पीछे बेसिक रीजन ये था, हमें यही ऑब्जर्वेशन बिल्डअप करने थे। वहाँ तक लिख लिया। हम सीधा ऑब्जर्वेशंस के लिए जा सकते हैं। ये सब मगजमारी करने के पीछे रीजन एक ही था, ये बताना था कि भाई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से इजी हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से काफी इजी हो जाता है। तो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या कह रहे थे? पहला वाला, ये वाला प्रॉपर्टी याद आ रहा?
मॉडुलस ऑफ z1 इनटू z2 क्या था, मॉड ऑफ z1 इनटू मॉड ऑफ z2 बराबर। सिमिलरली यहाँ पर हमारा क्या हुआ जी, z1 का मॉडुलस r1 था, z2 का मॉडुलस r2 था, तो प्रोडक्ट लिटरली क्या होगा r1 इनटू r2, रिजल्टेंट का वैसा ही आएगा। सेकंड वाला आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इनटू z2 ये क्या होता है जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। ये सेम चीज आपकी डिवीजन के लिए भी अप्लाई होती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2 ये क्या रहेगा जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। Z1 is equal to root 3 plus I and Z2 is equal to 1 minus I. Fine. Z1 plus Z2, Z1 minus Z2, Z1 into Z2, Z1 divided by Z2, Z1 conjugate into Z2, Z1 into Z2 conjugate, Z1 minus Z2 multiplied with Z2 plus Z1. एक ही क्वेश्चन, उसके ऊपर हम सब कुछ अप्लाई करेंगे। अब सबसे पहले हमें Z1 एंड Z2 वेक्टर एंड ट्रिगो दोनों में से कौन सा फॉर्मेट है, वेक्टर फॉर्मेट है, रिकॉग्नाइज करना बहुत ईजी है। आर्ग्यूमेंट एंड मॉडुलस अगर नहीं दिया है तो वेक्टर फॉर्म, ये क्लियर है, थीटा नहीं, साइन और कॉस नहीं मिल रहे मतलब वेक्टर फॉर्म, मिल रहे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, रिकॉग्नाइज करना उतना हार्ड नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर फॉर्म से इजीली हो जाता है, आप क्विकली कर सकते हो, करो एक एक करके निपटाएंगे। हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमारे कौन से फॉर्म से सूटेबल होगा उसके हिसाब से हम फॉर्म चूज करेंगे। जैसे कि पहला वाला क्या है जी, Z1 plus Z2, right? This is nothing but root 3 plus 1. Plus time आपका plus है minus है cancel ये हो गया। आपका answer is पहले का answer is this, सबका यही मिलना चाहिए। Second वाला जी Z1 minus Z2 कितना है आपका?
रूट थ्री प्लस वन ये पहला पार्ट रहेगा, आई के अंदर क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना प्लस टू आई, सही है रूट थ्री माइनस वन, हाँ रूट थ्री माइनस। थर्ड, अब देखो थर्ड वाले में क्या पूछा आपको, प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। प्रोडक्ट करने के लिए आप वेक्टर फॉर्म वाला फॉर्मूला अगर लगाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, लाइक ए वन ए टू माइनस बी वन बी टू ये रियल पार्ट है प्लस आई टाइम्स ऑफ ए वन बी टू प्लस बी वन ए टू, ये भी जा सकते हो। फिर सेकेंड वाला तरीका हम क्या कर सकते हैं कि सीधा इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, आर एन थीटा। तो सबसे पहले जेड वन का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या है, जेड वन एंड जेड टू मॉडुलस टू टू मॉडुलस रूट टू, ठीक है। तो जेड वन के लिए आर वन क्या मिलता है हमें, टू मिलता है। और इसका आर्ग्यूमेंट क्या है देखो जी, थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, टैन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स वन बाय रूट थ्री थर्टी डिग्री, ठीक है। यहाँ पर आपको थीटा वन कितना मिलता है, थर्टी डिग्री। थर्टी डिग्री को मैं क्या लिखूंगा, वाई बाय सिक्स, नहीं लिखा तो भी चल जाता है। ये वाला देखो इसका आर टू, ये क्या मिलेगा हमें, रूट टू। इसका थीटा टू आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, जब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर इसका जो आर्ग्यूमेंट रहेगा ना वो नेगेटिव साइड पे जाएगा, ठीक है। तो ये आता है जो आपको माइनस फोर्टी फाइव डिग्री, दैट इज हम क्या बोल के चले कि माइनस फाइव बाय फोर। तो देखो आपका लिखते लिखे क्या बन जाता है, ये टू इन ब्रैकेट कॉस ऑफ पाई बाय सिक्स प्लस आई साइन ऑफ पाई बाय सिक्स, ये जेड वन बन गया। और आपका जेड टू क्या बन गया जी, रूट टू टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय फोर माइनस आई साइन ऑफ पाई बाय फोर। अब देखो मैंने माइनस पाई बाय फोर डालते नहीं, बेटर जो इसके साइंस है ना, रियल पार्ट पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, वही साइन इधर डाल सकता हूँ, ये क्लियर है। क्योंकि बाहर जो है वो तो रियल नंबर है, वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या पूछा है जी, जेड वन इंटू जेड टू, बहुत सिंपल है, टू इंटू रूट टू, टू टू फोर रूट टू मॉडुलस का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है जी, इनका एडिशन होता है। अब ये एडिशन करने के टाइम पे आपको वो मैटर करेगा, कॉस ऑफ पाई बाय फोर एंड कॉस ऑफ माइनस पाई बाय फोर सेम होते हैं, प्लस ये साइन को हम क्या लिखेंगे जी, माइनस पाई बाय फोर। अब ये प्लस पाई बाय सिक्स माइनस पाई बाय, या फिर आप कैसा बोल सकते हो, प्लस थर्टी माइनस फोर्टी फाइव डिग्री, क्या हो गया आपका माइनस फिफ्टीन डिग्री। आप सीधा बोल सकते हो कॉस ऑफ माइनस फिफ्टीन डिग्री प्लस आई साइन ऑफ माइनस फिफ्टीन डिग्री, फिफ्टीन डिग्री मतलब क्या रहता है, ठीक है। आपका जेड वन इंटू जेड टू आता है जी, टू रूट टू इन ब्रैकेट कॉस ऑफ माइनस फाइव बाई ट्वेल्व प्लस आई साइन ऑफ माइनस पाई बाय मॉडुलस आर्ग्यूमेंट, अलग अलग पार्ट फाइंड आउट करना काफी इजी हो जाता है। मॉडुलस का सीधा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, और जो भी आपका आर्ग्यूमेंट रहेगा उनका एडिशन होगा, ठीक है। अब जैसे ये पता चल गया ना, बी वाला पार्ट फाइंड आउट करना भी काफी इजी, विच इज जेड वन अपॉन जेड टू, जेड वन अपॉन जेड टू क्या हो गया जी आपका, आर वन अपॉन आर टू इन ब्रैकेट कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आई साइन ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू। हमारा थीटा वन क्या है, पाई बाय सिक्स, थीटा टू क्या है, माइनस पाई बाय फोर, आर वन क्या है, टू, आर टू क्या है, रूट टू, निकालना कीजिए R1 is 2, 2 upon root 2, अंदर cos of, चाहे तो डिटेल में लिख लेते हैं, 2 upon root 2, यहाँ पर cos of, theta 1 is pi by 6, minus of minus pi by 4, तो basically क्या हो जाएगा, plus जाएगा, plus I sin of pi by 6 plus pi by 4, यही करना, कितना आएगा, 75 degree, 75 degree, ये
ए रूट टू इन ब्रैकेट कॉस ऑफ 5π/12 प्लस आई साइन ऑफ 5π/12 एडिशन वही है तेरह ट्राई करते थे 6 × 24 ऊपर 4π + 6π 10π/24 क्लियर दिस इज अवर z1 / z2 ठीक तक समझ में आ गया अब देखो ई एंड एफ के लिए हमें क्या चाहिए कॉन्जुगेट चाहिए तो आप सबसे पहले आपको z1 कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा विच इज √3 - r एंड z2 कॉन्जुगेट निकालना पड़ेगा विच इज 1 + i फिर उनके बीच में वापस से वही काम ठीक है अब ई एंड एफ सॉल्व करते टाइम हम एक और ऑब्जर्वेशन करना पसंद करते हैं फॉर एग्जांपल जो ऑब्जर्वेशन हमने बनाया है बट लिखा नहीं रहेगा आपका आर्गन प्लेन के ऊपर कॉन्जुगेट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो देखा रहेगा हमने अगर मेरा यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है तो उसका कॉन्जुगेट हमें यहाँ पर मिलता है z1 कॉन्जुगेट ये अगर आपका r1, θ1 अगर रहेगा ये क्या रहता है आपका r1, −θ1 क्योंकि इनका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमेशा क्या रहेगा सेम रहता है बट अगर ये ऊपर वाली डायरेक्शन में थीटा जाता है तो ये नीचे वाली डायरेक्शन में थीटा जाता है और ये माइनस साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन माइनस इज नॉट अबाउट द वैल्यू मैथ के अंदर ही हमेशा याद रखो नेगेटिव साइन का मतलब रहता है कि हमने डायरेक्शन उल्टा कर दिया चेंज कर दिया नॉर्मली हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल गिनते हैं अभी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम इस एंगल को क्या करेंगे नेगेटिव गिनेंगे ये क्लियर तो हमें क्या पता चल जाता है जब भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होता है उसका मॉड्यूलस कुछ चेंज होता है क्या नहीं और उसका आर्गुमेंट क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है ठीक है तो अगर इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के पास अगर एक छोटा सा जगह अगर रहेगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन लिख लो आर्गुमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड उसका जो ओरिजिनल था आर्गुमेंट उसी का अपोजिट साइन होता है ओके हमारे क्वेश्चन में क्या था z1 = √3 + i एंड z2 = −i अभी हमें नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 अब z1 अगर पता है ना z1 कॉन्जुगेट बहुत इजी है z1 कॉन्जुगेट क्या होगा जी r1 इन ब्रैकेट cos ऑफ −θ1 प्लस i sin थीटा ऑफ −θ प्लस θ1 की जगह आप सिर्फ −θ1 रहेगा ये क्लियर तो z1 इनटू z2 z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 कितना आएगा आपका r1 इनटू r2 इन ब्रैकेट cos ऑफ −θ1 प्लस θ2 i sin ऑफ −θ1 प्लस θ2 सब पता है निकाल सकते हो r1 इनटू r2 मतलब √2 cos ऑफ −30 - −40 - 70 देखिए हो जाते हैं आपका −5π/12 i sin ऑफ −5π/12 आपने ऑब्जर्व किया z1 अपॉन z2 एंड z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 दोनों का आर्गुमेंट सेम आया अपोजिट डायरेक्शन f एंड g निकाल सकते हो इजीली एवरीवन हाँ
और एफ क्या है जी, जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट। अब जेड टू कॉन्जुगेट हुआ तो क्या होगा, जेड टू का जेड टू कॉन्जुगेट इज आर टू कॉस ऑफ माइनस थीटा टू प्लस आई साइन ऑफ माइनस थीटा टू। ये क्या हो जाएगा, रूट टू इन ब्रैकेट कॉस ऑफ पाई बाय फोर प्लस आई साइन ऑफ पाई बाय फोर। जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट मतलब क्या हो जाएगा आपका, आर वन इंटू आर टू इन ब्रैकेट कॉस ऑफ पाई बाय सिक्स प्लस पाई बाय फोर इन आई टाइम्स साइन ऑफ फाइव बाई सिक्स प्लस फाइव बाई। ये कितना है, टू रूट टू इन ब्रैकेट कॉस ऑफ फाइव पाई बाई ट्वेल्व प्लस आई साइन ऑफ फाइव पाई बाई। अब इसको कंपेयर करके देखो, जेड वन अपॉन जेड टू एंड जेड वन जेड टू का आर्ग्यूमेंट एंड जेड वन क्रॉस जेड टू का दोनों के आर्ग्यूमेंट्स में एक रिलेशन, सॉरी तीनों के आर्ग्यूमेंट्स में एक रिलेशन। जेड वन अपॉन जेड टू का आर्ग्यूमेंट हमें क्या मिला था, फाइव पाई बाई ट्वेल्व। जेड वन इंटू जेड टू कॉन्जुगेट का भी आर्ग्यूमेंट हमें क्या मिला, फाइव पाई बाई ट्वेल्व। उन दोनों का सिर्फ क्या अलग अलग है, मॉडुलस अलग अलग, उसका रूट टू मिला था, इसका टू रूट टू। अब जेड वन जेड टू कॉन्जुगेट एंड जेड वन कॉन्जुगेट जेड टू इनके ऊपर ध्यान दो, इन दोनों का देखो मॉडुलस सेम है बट आर्ग्यूमेंट क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है ऑब्वियसली। देखो ना, जेड वन कॉन्जुगेट जेड टू, इसका कॉन्जुगेट करेगा तो क्या होगा, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ओरिजिनल होता है, जेड टू का कॉन्जुगेट ये हो जाएगा। जी जेड वन माइनस जेड टू इन टू जेड वन प्लस जेड, पहले एडिशन वेक्टर फॉर्म में ही कर लो, ये क्लियर है। दिस इज लिटरली ए इन टू बी जो हमने फाइंड आउट किया था, ये इस एक ही पर्पस के लिए था कि भाई आर्गन प्लेन के ऊपर अगर आप रिप्रेजेंटेशन करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो भी ऑपरेशन आप करोगे उनको प्रिडिक्ट करना एंटिसिपेट करना काफ़ी ईजी हो जाता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए ऑलवेज गो फॉर वेक्टर फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रहेगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। स्टिल अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के साथ अगर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अगर नहीं आ रहा है डोंट वरी, क्योंकि अब तक आपका ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है, उसके ऊपर जैसे हम काम करना शुरू करेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी काफ़ी इजी हो जाएगा। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म बताने के पीछे रीज़न ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आपका आर्ग्यूमेंट मतलब जो एंगल होता है, हम आर्गन प्लेन के ऊपर अगर देखेंगे एक प्लेन के ऊपर आपका एंगल ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाता है, 360 से ज़्यादा काम नहीं करना है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ज़्यादा कर रहे हैं। ये क्लियर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म की आदत डालने के पीछे एक और रीज़न है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आगे जाकर एक थ्योरम है, दैट इज डी मोयर्स थ्योरम, ठीक है। उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म काफ़ी ईजी होता है। अब ज़रा सोच के देखो ना, मुझे जब मल्टीप्लीकेशन करना था तो भाई आर्ग्यूमेंट का क्या हो रहा है, सीधा एडिशन हो रहा है। वॉट इफ अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर का हायर पावर निकालना रहे, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई लाइक जेड वन इंटू जेड टू, या फिर अगर मैं एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तीन बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब। दस बार मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर क्या हो जाएगा, टेन, बराबर है। मुझे बात करता हूँ, ये तरीका पता चलने की वजह से, दैट इज मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे हमें मॉड्यूलस का मल्टीप्लीकेशन करना है बट आर्ग्यूमेंट का सिर्फ एडिशन करना, हमें फाइनल प्रोडक्ट निकालना कितना इजी हो जाएगा। ये क्लियर है एवरीवन? तो डी मोयर थ्योरम के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक
फॉर्म आगे जाकर हेल्प करने वाला है, विच इज नथिंग बट हम हायर पावर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकाल सकते हैं या फिर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकाल सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ओके, इसके अगला वाला पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम क्या देखने वाले वो भी आज ही बता देता हूँ, सो दैट इट पॉसिबल थोड़ा सा रीड करके। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रोटेटिंग एरो की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है? मतलब जिस रोटेटिंग एरो अपना जो घड़ी रहता है उसके अंदर टाइम चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या रहता है? हमारा जो ओरिजिन है, सेंटर है, उसी के अलॉन्ग जस्ट वो चेंज हो रहा है। अब लेते से मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर इधर, मुझे यही मॉड्यूलस वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इधर चाहिए रहेगा तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट करूँगा। तो उसको जिस सेंस में रोटेट करना उसकी वजह से मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई ये दोनों अलग है, मैं इसी को रोटेट करके इसके टर्म में लिख सकता हूँ। वाला पार्ट देखेंगे तो डोंट वरी, बट ये करने की वजह से आपको समझ में आता है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं करता, बस आर्गन प्लेन पे क्या करता है, वो घूमता रहता है। इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर काम करना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज आप आर्गन प्लेन के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर का बिहेवियर आराम से अंडरस्टूड कर सकते हो। आज इसकी हमने शुरुआत की है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से जाता है, मल्टीप्लिकेशन हमने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के हिसाब से किया, बट वो मैटर नहीं करेगा। हमारा मैटर क्या करेगा जी, हमारे फाइनल वाले ऑब्जर्वेशंस। हम सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर किन को यूज़ करते हैं? इन्हीं को यूज़ करते हैं फॉर क्विक कैलकुलेशंस। क्लियर? आज के रीडिंग के पीछे पर्पज भी यही थी था, आपको कौन से ऑपरेशन के टाइम पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्म यूज करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एक ही फॉर्म रहता ना प्रॉब्लम ही नहीं था भाई, सब विदाउट एनी ऑप्शन उसी के थ्रू करना है, बट ये मल्टीपल फॉर्म्स लेकर आ रहा है इसलिए हमारे पास क्या हो जाते हैं, चॉइसेस मिल रहे हैं एंड वी विल चूज विच पाथ इज सूटेबल फॉर अस अफोर्डेबल। ये क्लियर है?